हे वेलकम बैक, आई एम एस के पटेल फ्रॉम दिबेरा स्टडी यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्पोकन इंग्लिश में, हमने कुछ इसके स्ट्रक्चर सीखे थे जिसमें यूज ऑफ इज़ इमार को देखे थे, ठीक है। टुडे वी टॉक ओके, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसकी कुछ हम लोग एक्सरसाइजेज करेंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करने की प्रयास करेंगे। जैसे बोलिए मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, ऐसे बोलना है। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, तुम गरीब हो, यू आर पुअर, तुम गरीब हो, यू आर पुअर, राम गरीब है, राम इज पुअर, राम गरीब है, राम इज पुअर, राम गरीब है, राम इज पुअर, बोलो, फील करो ऐसा। देखो साथियों, सोचने से नहीं होगा, वीडियो देखने से नहीं होगा, हजारों वीडियो आपने देखा होगा, हजारों क्लास किए होंगे, नहीं सीखोगे जब तक यू मस्ट हैव टू स्पोक लिसन स्पोक। मैंने क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में, लिसन कुछ भी सुनो, मैं भी बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को सुनो, बोलो फिर अपने मन में बोलो, नहीं बोल रहे हो बोलो। मैं जैसे बोला मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, इस मन में बोलते ना ओके बेटा, यस आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। जैसे कहीं कुछ जाते हो लिसन में, बोलते हैं लोग बेटा ठीक है ना, हाँ यस आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, बोलो ना आई एम फाइन, तो बोलो आई एम फाइन, आई एम मत बोलो, आई एम ओल्ड हो गया, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम को बोलते आई एम, ओके ठीक है, आई एम, आई एम को बोलते आई एम, तो मतलब आई एम नहीं, एम नहीं, वो दूसरा होता है, ठीक है। चलो जैसे मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, तुम गरीब हो, यू आर पुअर, श्याम गरीब है, श्याम इज पुअर, तुम बोलो मेरे साथ, तो सोचो नहीं, सोचने का टाइम दिया, अब जो करने का टाइम है, करने का टाइम है और बोलने का टाइम है, सुनो और बोलो। जैसे मैंने बोला तुम गरीब हो, यू आर पुअर, स्टूडेंट गरीब है, स्टूडेंट आर पुअर, स्टूडेंट आर पुअर, स्टूडेंट्स यानी बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी सब गरीब हैं। अभी तो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो, समझ रहे हो ना, स्टूडेंट्स आर पुअर, आपको ही बच्चे दिल पर नहीं देना, मैं सिखा रहा हूँ आपको स्पोकन, बहुत अमीर हो मुझे पता है, ठीक है, कोई नहीं। लड़के गरीब हैं, बॉयज आर पुअर, मैं गरीब हूँ, मैं आई एम पुअर बोल ही चुका हूँ, ठीक है। जैसे जैसे तो मैं चलाकू, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर, पांच बार बोलो, दस बार बोलो, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर, आम नहीं, आई एम क्लेवर, बहुत सारे बच्चे आम बोलने लगेंगे यार, देखो नहीं आ रहा बोलना आम, देखो ये समझना थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला है। आई एम की जगह पे क्या कर लिख सकते हो साथ, ऐसे लगा करके स्पोकन में आम बोला जाता है, ठीक है, आई एम की जगह पे आम, समझ रहे हो ना। चलो बोलो मैं चलाकू, आई एम क्लेवर, तुम चलाकू, यू आर क्लेवर, पिताजी चलाक है यानी माई फादर इज क्लेवर, माई मदर इज क्लेवर, माई सिस्टर इज क्लेवर, माई ग्रैंड मदर इज क्लेवर, माई ग्रैंड फादर इज क्लेवर, माई अंकल इज क्लेवर, माई आंटी इज क्लेवर, माई कजन इज क्लेवर, माई नेबर इज क्लेवर, नेबर मतलब पड़ोसी, माई विलेज पीपल्स आर क्लेवर, क्लेवर मेरे गाँव के लोग चलाक हैं। इस तरह से बोलो, सोचो नहीं, करने का काम है, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, तुम बुद्धिमान हो, क्या हो, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइस, देखो वाइस नहीं कर सकते, तेज रहता ना, तेज इंटेलिजेंट लगाते, तुम बुद्धिमान, यू आर, मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम वाइस, पिताजी बुद्धिमान है, माई फादर इज वाइस, नानी माँ बुद्धिमान है, माई ग्रैंड या माई ग्रैनी, ये मतलब इस तरह से बोलो, सोचना नहीं है। जैसे लिख सकते हो मैं सुंदर हूँ, अब देखो मैं सुंदर हूँ, आई एम हैंडसम, सीता सुंदर, सीता इज ब्यूटीफुल, देखो ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए यूज करते हैं, हैंडसम लड़कों के लिए यूज करते हैं, सोचना नहीं साथ आपको बोलना है। जैसे ले लो वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, शी इज हैंडसम, ठीक है, वे लोग सुंदर है, दे आर हैंडसम, दे आर हैंडसम, मेरे गाँव के लोग सुंदर है, माई विलेज पीपल्स आर हैंडसम, ओके, वो नहीं करना फेयर लवली वाला, वो एक प्रोडक्ट का नाम है, फेयर मतलब गोरा होता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लवली एक नाउन, फेयर लवली समझ ना, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन हैंडसम ब्यूटी, समझ लो ना, मज में आ रही है ना। अब जैसे देखो क्या लंबा है, जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वह लंबी है, जैसे लड़कियाँ भी बहुत लंबी होती है, टॉल, वह लंबा है, इज लॉन्ग, पेड़ लंबा है, ट्री इज टॉल, कुर्सी लंबा है, लॉन्ग भी लिख सकते हो, टॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लॉन्ग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भारतीय बहादुर है, इंडियन इज ब्रेव, ऐसा कर सकते साथियों, इंडियन इज ब्रेव, बताओ हो सकता है कि नहीं, बताओ, भारतीय बहादुर है तो भारतीय, ठीक है, मोर देन वन, इंडियंस आर ब्रेव कर सकते हो। जैसे मेरे पिताजी बहादुर है, माई फादर इज ब्रेव, मेरी माँ बहादुर है क्योंकि वो सुबह उठकर खाना पकाती है, माई मदर इज ब्रेव। आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, सोचने से काम नहीं होगा, सोचते हो तो आप दिन रात हो,
मुझे इंग्लिश बोलना है बोलना है बोलना, सोचते इतने रहते हो, नहीं कुछ होता है, कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना होगा साथियों, बोलने की प्रैक्टिस करना होगा। मैं स्वस्थ हूँ जैसे बोलूंगा स्वस्थ, आपको एक एक वर्ड दे रहा हूँ साथियों, आप यूज ऑफ कीजिए, मेरे का बुक उठाना है तो इसके साथ हजारों सेंटेंस जोड़ के बोलते रहना, दिन भर बोलते रहो, शाम तक बोलते रहो, रात तक बोलते रहो, कोई इसमें नहीं, लेकिन बोलना आना चाहिए। मस्ट हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। मस्ट हैव टू स्पीक, आप अमीर हो, यू आर रिच, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, सीता अमीर है, सीता इज रिच, पिताजी अमीर है, फादर इज रिच। हाँ समझ रहे हो ना, जैसे आनंद आनंद अमीर है, आनंद इज रिच, दीपक अमीर है तो दीपक इज रिच, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से क्या करोगे आप, एडजेक्टिव लगा के सेंटेंसेस को बनाओगे। क्या करोगे साथियों, एडजेक्टिव लगा कर, जैसे देखो तुम विद्यार्थी हो, विद्यार्थी क्या नाउन है, यू आर स्टूडेंट, तुम क्या लड़का हो, यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, तुम सीता नर्स है, सीता इज नर्स, वह नर्स है, सी इज नर्स, वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, राम डॉक्टर है, राम इज डॉक्टर, यह डॉक्टर, दिस इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, दैट इज डॉक्टर। ऐसा सेंटेंस ही भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। हम लोग डॉक्टर है, वी आर डॉक्टर्स, इस लगाओगे नाउन में, नाउन में इस लगाओगे डॉक्टर्स, क्योंकि हम लोगों की बात आ रही है, मोर देन वन होती है बात। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर, वह डॉक्टर है, इज डॉक्टर, वह डॉक्टर है, सी इज डॉक्टर, लड़की की बात हो तब बना सकते हो। बहुत बहुत सारे सिंपल है साथियों, तो ये स्पोकन जो होता है हम लोग की माइंड में धारणा बैठा देता है, ठीक है। इस तरीके से आप जब करोगे ना, देखो एक नहीं बोल पाओगे, एक में आओ ऐसे क्या करूँ, एक स्टोरी नरेट कर दूँ, कह दूँ मैं कौन सा पता टाइम, देर इज द बैलून सेलर सेल द बैलून इन द, मतलब मेला में बैलून बेच रहा था, इसका समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मैं छोटे छोटे वाक्य कराऊंगा, छोटे छोटे वर्ड कराऊंगा, अभी इंपरेटिव सेंटेंस कराऊंगा, कब यूज ऑफ इजे मार खत्म हो जाएगा, हैव टू, जितने सेंटेंस जो छोटे छोटे पार्ट है ना खत्म हो जाएगा ना, तब आपको इंपरेटिव सेंटेंस कराऊंगा, जैसे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, वो वह, मतलब कुछ भी आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब। जैसे आ जाओ मेरे साथ, अभी कर लो चार पाँच और सेंटेंसेस, जैसे वह गायक है, जैसे वह गायिका है, सिंगर राम गायक है, राम ये सिंगर, मेरे पिताजी गायक है, मैं फादर इज ए सिंगर, मेरे दादाजी गायक है, मैं ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर इज ए डॉक्टर। मैं सोच रहा हूँ बता बनाने में, हिंदी से इंग्लिश जो करते हो आप लोग, चलो आपके अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, कभी सोच पा रहा हूँ भाई, कभी सोच रहा हूँ नहीं, आपके सामने ही देख रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्या था, मैंने इसके जो प्रैक्टिस किया था, रातों की मेरी मेहनत थी, तब जाके मैं कर पाया हूँ। तो आपको भी रातों को जो नींद होती है ना, वो हराम करने, ऐसे नहीं होता, एक दिन में कोई कुछ नहीं पा सकता साथियों। ये भूल है आपको कि एक रात में अगर एक वीडियो देख के मेरा आप सीख जाओगे, नहीं, ये आपकी भूल है, आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि एक पेड़ का पौधा बनने में, ये जो एक पौधा होता है ना, उसको पेड़ बनने में बहुत सारे समय पे, बहुत सारे धूप, बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, तब जा करके एक विशाल पेड़ का निर्माण होता है। तो आपको भी जब एक पेड़ बनना है, बहुत दिन तक टिके वाला पेड़, टिक के रहने वाला पेड़ बनना है ना, आपको शुरू से अंत तक काम करना है। आज मेरे साथ काम करो, आप छात्र हो, यू आर स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट, सीता छात्र है, सीता इज स्टूडेंट, बना सीता के बाद क्या हो सकता है, रीता छात्र है, रीता इज स्टूडेंट, ठीक है, गीता छात्र है, गीता इज स्टूडेंट, हम लोग छात्र है, वी आर स्टूडेंट्स, ये लगेगा स्टूडेंट में, क्योंकि मोर देन वन बात की है। ये सारी चीजें आप समझते चलोगे कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन ये मत सोचना कि मैं ज्यादा कुछ कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत आसान है स्पोकन इंग्लिश, सिर्फ नाम के लिए, ये नाम के लिए हवा बना हुआ है, एक्चुअल में होता नहीं है। जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, देन यू डेफिनेटली स्पीक, आप बोलना सीख जाओगे। मुझे तो भी नहीं आता था, मुझे भी लगता था टॉप है, इट इज टॉप। देखो मैं साउंड भी नहीं सिखा सकता, एक स्लैंग होता है, एक्चुअली नहीं हो पाएंगे, लेकिन बोल तो जरूर सकते, कि बातों को समझ तो जरूर सकते, इतना मैं बता सकता हूँ, इतना चीज़ें मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आप समझ सकते हो उसको बातों को, क्या एक्चुअली अगला बंदा वो झाड़ता है। बहुत सारे बंदे होता है ऐसा, Hi guys, what do you do? क्या कर रहे हो? What do you do? मतलब कुछ भी आगे पूछ के चले जाते हैं, हम नहीं समझ पाते, बोल रहा था भाई, चलिए क्या बोल रहे थे, क्या चल के समझ में नहीं पाते हम लोग। तो एक्चुअली जब आप प्रैक्टिस करो ना, समझोगे अच्छा हाउ आर यू बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा था, तब आप उसके आंसर दे पाओगे, कब होगा ये सब, कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता होगा ना, आपने हर जगह सुना होगा कोर्स में, प्रैक्टिस जो होता है ना, वो एक काफी होता है,
गाड़ी में सब कुछ भर दो, चाबी ना हो गाड़ी स्टार्ट होंगे नहीं होंगे, उसी तरह प्रैक्टिस की चाबी है, सारी चीज आपके पास है, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे समझ लो ना बहुत जल्दी सीख पाओगे। तो इस तरह सब क्या करना है, घर में बैठना है, कोई से भी बुक उठाना है, सब्जेक्ट मैंने वो पिछले वीडियो में बताया ही दिया था कैसे कैसे वाला क्लास में, उस तरह सबको क्या करना काम करना है। और डेफिनेटली मैं वादे के साथ कह सकता हूँ आप बोलोगे बोल जाओगे बहुत जल्दी सीख, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो बस आपको करना ये होगा, काम करना होगा एकदम ईमानदारी से, मैं भी ईमानदारी से काम करूँगा आपके साथ, आप भी ईमानदारी से काम करना, और अच्छा लगे कि हाँ कुछ सीख रहा हूँ सर, कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखो शुरुआती तौर में आपको अच्छा नहीं लगेंगे, यार क्या आके बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है लड़का ये, मतलब अजीब टप लगेगा मेरे ऊपर, आपको लगेगा कि आदमी तब से मुझे आता है, यही तो हम कारण है कि हम पहले ही सोचते मुझे आता है, और यही कारण है हमारे जैसे आपके जैसे लाखों लड़के इस बोलने से वंचित रह जाते हैं मुझे तो आता है नहीं। आप जब जब चीज़ों को पढ़ेंगे ना, जब जब हर चीज़ों को पढ़ेंगे ना, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे। ये मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार पढ़ने की कोशिश किया ना, हर बार कुछ ना कुछ न्यू, और देखना मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना कुछ न्यू स्टाइल, कुछ ना कुछ नया चीज आपको हमेशा सीखने का प्रयास। बस आज के लिए इतना ही रहेगा, आप क्या करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर देना, अगर वीडियो में थोड़ा बहुत बिल्कुल सीखे होंगे तो थोड़ा बहुत प्यार और दुलार क्या बोलते हैं, तो जय हिंद वंदे मातरम, पढ़ते रहना बढ़ते रहना, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। थैंक यू।